हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर ऑनलाइन क्लास टीचर ऑन बिहाफ ऑफ आरबी स्टार अकेडमी एंड यूनिक स्टार अकेडमी फॉर क्लास सेकंड सब्जेक्ट साइंस चैप्टर सेकंड। वी हैव कंप्लीटेड अवर टू पार्ट्स ऑफ वीडियो, यानी हमने जो है वीडियो के दो पार्ट हमने जो है पहले देख चुके हैं, जिसमें थ्योरी वाले में अलग अलग बातें की थी। अभी हमारे से हमारा जो है वीडियो का तीसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है। स्पाइसेज यानी मसाले वगैरह जो है पेड़ पौधों से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं देखते हैं। स्पाइस ऐड टेस्ट एंड फ्लेवर्स टू अवर फूड, क्या बोल रहे हैं, जो मसाले होते हैं वो हमारे खाने में जो है मतलब खुशबू भी देते हैं और उसका अलग अलग टेस्ट भी होता है, ठीक है। वी गेट स्पाइसेस फ्रॉम वेरियस प्लांट्स, क्या बोल रहे हैं, हमारे जो है बहुत सारे पेड़ पौधे से जो हमें मसाले मिलते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखते हैं आगे। सम स्पाइसेस आर टर्मरिक, क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे मसाले, क्या मसालों में से कौन कौन से हैं। टर्मरिक यानी हल्दी होती है, पेपर यानी अपना काली मिर्च होती है, कॉर्डेमम होती है यानी अपना बोलते हैं ना उसको इलायची, उसको बोलते हैं, ठीक है, कॉर्डेमम। जिंजर है यानी अदरक बोलते हैं, कोरिएंडर मीन्स अपना क्या बोलते हैं इसको, धनिया जो होती है जिसको बोलते हैं कोरिएंडर, ठीक है। ये सारे जो हमें कहाँ से मिलते हैं, पेड़ पौधे से ही मिलते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं अगला, नेक्स्ट वाला। पेपर कॉमा गम एंड रबर, क्या बोल रहे हैं, पेपर यानी जो कागज़ होता है, गम यानी चिपकाने वाला जो गम होता है उससे गोद वगैरह बोलते हैं उसको, एंड रबर यानी जो रबड़ की चीज़ें बहुत सारी बनाई जाती हैं, वो सारी कहाँ से मिलते हैं, पेड़ पौधे से मिलते हैं, ठीक है। देखते हैं एग्जाम अभी इसमें डिटेल में। वी गेट पेपर फ्रॉम बम्बूस, क्या बोल रहे हैं, हमें जो पेपर वगैरह कागज़ वगैरह मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं, बम्बू ट्री से यानी बम्बू यानी बांस वगैरह के पेड़ से मिलते हैं, ठीक है। कॉमा गम फ्रॉम द जूस ऑफ कीकर ट्री, यानी एक कीकर ट्री होता है उसमें जूस से जो है अपना गम यानी चिपकाने वाला गोंद वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। एंड रबर फ्रॉम द जूस ऑफ रबर ट्री, क्या बोल रहा है, और जो रबर बनाया जाता है वो रबर का एक पेड़ होता है उसके जूस से जो है रबर बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल में दिया हुआ, बम्बू से क्या बनाया गया, मतलब यहाँ पे कॉपी मतलब किताब बनाई गई, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा साफ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कीकर का ट्री है उसके क्या निकाला गया, यहाँ पे गम निकाला गया चिपकाने वाला। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे रबर ट्री यानी रबर ट्री से क्या निकाला गया, यहाँ पे उसके जूस से जो है यहाँ पे रबर की चीज़ें बनाई गई, जैसे यहाँ पे मिटाने वाला आपका रबर हो गया या टायर वगैरह हो गया या फिर पहनने वाला चप्पल वगैरह हो गया, सारे जो है रबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट परफ्यूम्स, परफ्यूम्स मतलब क्या होता है, जो अतर वगैरह होती है या फिर सेंट वगैरह होते हैं, खुशबू वगैरह जो होती है, सारी चीज़ें हम लगाते हैं अपने शरीर पे या फिर अपने कपड़ों पे, वो सारी कहाँ से मिलते हैं, हमें पेड़ पौधे या प्लांट से मिलते हैं, देखते हैं अभी। वी गेट सेंट फ्रॉम द स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक रोज, जैस्मिन, लिली एक्सेट्रा, क्या बोल रहे हैं, हमें जो है बहुत सारे खुशबू वाले जो पेड़ पौधे यानी फूल अक्सर जो है सारे फूलों से बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो है खुशबू वाले फूल होते हैं उनसे जो है अलग अलग तरह के यानी अलग अलग जो है फ्लेवर के जो है हमें सेंट वगैरह प्लांट्स सेंट वगैरह और परफ्यूम वगैरह और बहुत सारी खुशबू जो है हमें बना करके मिलती है, ठीक है। ये सारे प्लांट्स है, ठीक है, ये भी प्लांट्स ही है। देखते हैं यहाँ पे रोज प्लांट से क्या बनाया गया, यहाँ पे परफ्यूम बनाया गया, ठीक है। जैस्मिन प्लांट से यहाँ भी परफ्यूम वगैरह सेंट वगैरह बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा जो है यह कह दिया, टेक द चिल्ड्रन टू एनी नियर बाई नर्सरी एंड टेल देम अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, क्या बोल रहे हैं, ये जो मतलब ये एक्चुअली एक्टिविटी होती है कि बच्चों को जो है बाग बगीचे में लेकर के जाइए या फिर नर्सरी वगैरह जो सरकार की बनाई हुई रहती है वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्लांट पौधे जो है बच्चों को दिखा करके और समझाइए। हालांकि आप लोग तो हर सारे सारे पेड़ पौधे जानते ही हैं, ठीक है। आप लोग वैसे भी गाँव में रहते हैं तो हम भी जैसे गाँव में हमारे बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करें, ठीक है। यहाँ पे टी कॉफ़ी एंड शुगर, क्या बोल रहे हैं, चाय और कॉफ़ी और एंड शुगर यानी चीनी वगैरह। वी गेट टी फ्रॉम टी प्लांट्स, क्या बोल रहे हैं, हमें जो टी यानी चाय मिलती है वो चाय का एक पौधा होता है मतलब जो खेतों में लगाया जाता है उससे मिलता है। विच आर ड्राइड लीव ऑफ दिस प्लांट, क्या मतलब जो मतलब चाय की पत्ती होती है उसको सुखा करके बनाया जाता है, ठीक है, उसके पौधे से। कॉफ़ी इज ऑब्टेंड फ्रॉम द कॉफ़ी बीन्स, क्या बोल रहे हैं, कॉफ़ी जो मतलब मिलती है हमें कॉफ़ी के जो प्लांट्स है उसको हम मतलब कट करके निकाल के लेके आते हैं, उसको सुखा करके जो उसको कॉफ़ी बना करके पिया जाता है। शुगर इज ऑब्टेंड फ्रॉम शुगर केन, क्या बोल रहे हैं, जो शुगर होती है उसको जो है हम शुगर केन यानी जो गन्ना होते हैं उसमें से जो है चीनी बनाया जाता है, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कॉफ़ी प्लांट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, या कॉफ़ी यहाँ ऐसा हो जाती है बनाने के बाद, इसके सुखाने के बाद टी प्लांट ऐसा रहता है और टी जो सुखाने के बाद ऐसी हो जाती है। देखिए यहाँ पे बनाया उसका वो एक प्रोसेस होता है अलग से। यहाँ पे देखिए क्या दिया, शुगर केन दिया हुआ है। अभी शुगर केन से जो है इसको मिल वगैरह में जो है अपना शुगर बनाया चीनी बना दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है ये पार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं प्लांट्स एज एयर प्योरीफायर, क्या बोल रहे हैं, प्लांट्स यानी पौधे जो होते हैं पेड़ होते हैं वो हमारे लिए जो हवा को जो है बहुत ही साफ और सुथरी और फ्रेश कर रखते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे प्लांट्स प्यूरीफाई द एयर, क्या बोल रहे हैं, प्लांट्स जो है हवा को जो है दूषित जो हवाएं होती है उसको साफ करते हैं। प्लांट अब्सॉर्ब्ड हार्मफुल गैसेस फ्रॉम द एयर, क्या बोल रहे हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो अपने अंदर सारी गैसेस जो मतलब खराब जो गैसें होती है वो अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और जो बाहर ये लोग पेड़ जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दस दे वर्क लाइक एयर प्योरीफायर एंड मेक्स एयर फ्रेश एंड क्लीन, और जो इसी तरह से ये जो है मतलब एयर प्योरीफायर का काम करते हैं, अपने अंदर सारी डस्ट वगैरह जो मतलब होती है गैसें वो अपने अंदर ले लेते हैं और अपने अंदर से जो है ये बाहर जो है गैसेज वगैरह निकलते हैं जिसको जो है एनिमल्स और ह्यूमंस वगैरह जो है सांस लेने में यूज़ करते हैं, हवा यूज़ करते हैं। रिविजन टाइम में देखते हैं क्या कह दिया हुआ, प्लांट्स आर वेरी यूजफुल, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होता है प्लांट्स पेड़ पौधे जो, मोस्ट ऑफ आवर फूड इज ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट, बहुत सारे खाने हमारे जो है कहाँ से, पेड़ पौधों से लिए जाते हैं और
ठीक है। प्लांट्स गिव अस वुड रबर पेपर कॉफी सुगर, यानी हमको जो है पेड़ पौधों से जो है रबर मिलता है, खाना खाना वगैरह मिलता है, पेपर और कॉफी सुगर यानी चीनी और ऑयल तेल वगैरह मिलता है, ठीक है। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, क्या बोल रहे हैं, हमें जो है रुई भी मिलती है कहाँ से, रुई का जो पेड़ पौधा होता है उसमें से रुई मिलती है, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो गिव अस परफ्यूम एंड मेडिसिन, क्या बोल रहे हैं, प्लांट्स यानी पौधों से जो हमें परफ्यूम यानी जो सेंट वगैरह मिलती है और दवाइयाँ भी बहुत सारे काम की आती हैं, जिससे पौधों से बनाई जाती है। ग्रीन प्लांट्स मेक द एयर अराउंड अस फ्रेश एंड क्लीन, क्या बोल रहे हैं, जो ग्रीन पौधे होते हैं हमारे जो चारों तरफ जो हमारी हवाएं होती हैं उसको जो है दूषित हवाएं उसको साफ सुथरा करके हमें जो है फ्रेश हवा देते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स, क्या बोला, हम जो है बिना पेड़ पौधों के जो जीवित नहीं रह सकते, और पेड़ पौधे भी हमारे बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ मीनिंग से देख लेते हैं, स्पाइस मतलब क्या होता है, एन एरोमेटिक सब्सटेंस यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड्स, क्या बोलते हैं, मसाले जो हम खाने में खाते हैं उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फाइबर मतलब ये थ्रेड लाइक सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, क्या बोल रहे हैं, ये जो फाइबर होते हैं जो मतलब धागे वगैरह का काम करते हैं, रुई वगैरह का, वो सारे जो हम पेड़ पौधों से भी यूज़ करते हैं, और एनिमल मतलब कैसा, जो भेड़ी होता है ना शीप, उसके भी मतलब शरीर से जो है पार्ट्स निकाला जाता है, ठीक है। शेल्टर मतलब क्या होता है, अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, शेल्टर मतलब जो चिड़िया वगैरह जहाँ रहती है, अभी हमारे घर हमारे लिए हमारा शेल्टर है, ठीक है, उसी तरह रहने की जगह शेल्टर बोलते हैं। ऑक्सीजन मीन्स द गैस दैट वी ब्रेथ इन, क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन मतलब वो होता है जो हम गैस अपने अंदर लेते हैं उसको ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। और जो गैस हम बाहर अपने शरीर से निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इसको भी हम आगे चल के पढ़ लेंगे कहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट होता है, अब आगे से जो है हमारा जो है ये अपना क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।